तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, डंकी मूवी का फर्स्ट रिव्यू आउट हो गया है और इस मूवी को आने के लिए पूरे 2 महीने ही बचे हैं, लगभग 2 महीने बचे हैं, 2 महीने से थोड़ा 6 दिन कम है। लेकिन ये इस मूवी का रिव्यू अभी से आउट हो चुका है, वो भी किसके द्वारा? मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन ऑफ राजकुमार हिरानी, बोमन ईरानी के द्वारा। और अब बोमन ईरानी और राजकुमार हिरानी की आप जोड़ी जानते ही हो, इनकी फ्रेंडशिप आप जानते ही हो। लगभग आप प्रीवियस कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, बोमन ईरानी का एक बहुत ही शानदार रोल उसमें होता ही होता था, जिसका बहुत सा पार्ट स्क्रीन टाइम लेता ही लेता था। पीके आप ले लीजिए, अच्छा खासा रोल था। बोमन मुन्ना भाई MBBS ले लीजिए, अच्छा खासा रोल था। 3 Idiots, वायरस के बिना तो मूवी कंप्लीट ही नहीं है। तो बोमन ईरानी बहुत ट्रस्टेबल पर्सन है ऑफ राजकुमार हिरानी, और उन्होंने एक इनॉग्रेशन में ये रिवील करा। मतलब शाहरुख खान को काफ़ी बधाइयाँ भी दी, राजकुमार हिरानी को भी काफ़ी बधाइयाँ दी कि इतने टाइम के बाद ये बंदा आया है। पठान, जवान जैसी हिट हुई हैं, थर्ड हैट्रिक भी ये लेने वाले हैं डंकी के साथ, डेफिनेटली लेने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में इन्होंने बोला है। और ये शब्द मेरे बिल्कुल भी नहीं है, ये DNA इंडिया के द्वारा ये न्यूज़ रिवील करी गई है। तो बोमन ईरानी ने मूवी को काफ़ी अच्छा बूस्ट किया है, काफ़ी सपोर्ट किया है, और डेफिनेटली बोला है कि डंकी भी 1000 करोड़ ईजिली टच करके जाएगी। तो उन्होंने ये सब बोला है एक इनॉग्रेशन में, इन द प्लेस ऑफ न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ सिंटा इन मुंबई। सिंटा, अगर मैं आपको सिंटा की फुल फॉर्म बताऊं तो सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन। अच्छा खासा गैप लेके पहले तो उन्होंने पठान से शुरुआत करी, देन जवान से हिट मारा, और थर्ड हैट्रिक जो होगी डंकी से कंप्लीट होगी, जो सालार के साथ क्लैश कर रही है। लेकिन बाय गॉड, सालार का कोई भी इस पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये थे बोमन ईरानी के शब्द, और उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला है। साथ में उन्होंने क्या कहते हैं, स्टार कास्ट भी रिवील करी है कि तापसी पन्नू उनको सेकेंड रोल लीड रोल में मिलेंगी, दिया मिर्जा मिलेंगी, एंड धर्मेंद्र मिलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि विकी कौशल का एक सॉलिड कैमियो होने वाला है। और उसके बाद मोस्ट अमेजिंग थिंग ये बताई है कि डंकी मूवी का नाम आखिर डंकी पड़ा कैसे। तो इलीगल इमिग्रेशन बहुत चलते हैं, है ना, तो अ टेक्निक कॉल्ड डोंकी फ्लाइट यूज्ड बाय इमिग्रेंट्स। तो डोंकी फ्लाइट एक मुहावरा है जो पंजाब में यूज करा जाता है, खासकर उनके लिए इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम द पंजाब टू द यूनाइटेड किंगडम। और अभी 4-5 दिन पहले एक पोस्टर रिवील करा था जो यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूरोपियन कंट्री से लेकर सीधे इंडिया तक का सफ़र तय करते हुए दिखा रहे थे मैप में। तो यहाँ से ना बड़ा अच्छा क्लियर हो रहा है कि यस, ये जो डोंकी फ्लाइट है, मतलब जो इमिग्रेशन होगा, इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम पंजाब टू यूनाइटेड किंगडम। और यस, ये चीज़ बहुत पॉपुलर है, लोग इंडिया से बाहर विदेशों में जाते हैं, और क्यों जाते हैं वो सब दिखाया गया है। देखो, इसको और भी ज़्यादा डिफाइन करूँ तो ये जो डोंकी फ्लाइट idiom है, ये एक चीज़ की तरफ इशारा करता है कि लोग टूरिस्ट वीज़ा बनाते हैं यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ वर्किंग, है ना। और ये चीज़ हम सब भी जानते हैं कि लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, और इसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। इस इलीगल इमिग्रेशन को बहुत ही बारीकी से दिखाया जाएगा कि कैसे कोई वहाँ जाता है, कितनी प्रॉब्लम्स भी झेलता है, उस मतलब कितनी कठिनाइयाँ उसे यहाँ से झेल के जानी पड़ती है, फिर वहाँ जाके उसे स्टेबल होना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें ये सब हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो भाई साहब, अगर मैं आपको बताऊँ तो पंजाब में एक ये मूवी पहले ही आ चुकी है, तो इसको रीमेक कह सकते हैं क्या? बिल्कुल भी कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब से एक मूवी है, मुझे उसका नाम नहीं पता है। दूसरा, मलयाली एक्टर CIA, उसका भी कंटेंट लगभग ऐसा ही है जो दुलकर सलमान की फिल्म है, उसका भी सेम कंटेंट है। वो भी इसी चीज़ को फोकस करते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन पर आप क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्री में जाते हैं और वहाँ जाके जो भी है आपका काम करते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसमें मज़ा आने वाला है? भाई बिल्कुल मजा आने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान प्लस राजकुमार हिरानी, ऐसा नहीं है कि जो एज इट इज़ है वो रख देंगे, इसमें बहुत कुछ हमें नया भी मिलने वाला है। तो यस, एक चीज़ यहाँ से क्लियर ये हो गई कि इलीगल इमिग्रेशन पर ये कहानी हमें दिखाई जाएगी। दूसरा, ये मूवी बिजनेस कितना करने वाली है? भाई साहब, नो डाउट ये मूवी ईजिली 1000 करोड़ टच करेगी, क्योंकि शाहरुख खान की जैसी फॉर्म चल रही है, पठान और जवान के बाद लोग जो कनेक्ट हुए हैं शाहरुख खान से, उसके बाद जब राजकुमार हिरानी इस बंदे का जब नाम आएगा इसके साथ, जब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है शाहरुख खान प्लस राजकुमार हिरानी, ये मूवी ईजिली 800 से 1000 करोड़ टच कर जाएगी। तो आप लोग की क्या राय है, ये मूवी कितना बिजनेस करके जाएगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और अगर रिव्यू से आउट अगर तुम्हें और भी इससे रिलेटेड
रिलेटेड न्यूज़ मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी बोमन ईरानी का ही रिव्यू मालूम है जो डीएनए इंडिया ने न्यूज़ रिवील करी है। उन्होंने अपने किसी इनॉग्रेशन में बोला था, किसी नहीं सिंटा इनॉग्रेशन में बोला, जिसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो उसके अलावा और कहीं से भी रिव्यू आता है या रिव्यू कहीं से रिवील हुआ है, इस मूवी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स पर शेयर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।